हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 2 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 4, उपविषय हमारा परिवार। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे और इनके उत्तर लिखेंगे। पहला, इनमें से दादा दादी किन्हें कहेंगे? तो यहाँ पर सही उत्तर है पिता के माता पिता को। दूसरा, इनमें से नाना नानी किन्हें कहेंगे? तो यहाँ पर सही उत्तर है माता के माता पिता को। तीसरा, डैश हमारे चाचा और चाची के बच्चे हैं, तो यहाँ सही उत्तर है चचेरे भाई बहन। चौथा, पिता के भाई को डैश कहा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे चाचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, पिता की बहन को डैश कहा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे बुआ। छठा, डैश आपके पिता के माता पिता हैं, तो यहाँ लिखेंगे दादा दादी। सातवा, आपके चाचा की पत्नी आपकी डैश है, तो यहाँ सही उत्तर है चाची। आठवा, भाई या बहन को डैश भी कहा जाता है, तो यहाँ सही उत्तर है सहोदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही या गलत कथन का चयन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आप इन कथनों को पढ़ेंगे और सही या गलत लिखेंगे। पहला, परिवार एक स्कूल की तरह होता है, सही। दूसरा, संयुक्त परिवार एक छोटा परिवार होता है, गलत। तीसरा, हम दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, सही। चौथा, मेरे माता पिता परिवार के लिए पैसा कमाते हैं, सही। पांचवा, दादाजी परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, सही। छठा, हमें अपने परिवार में सहयोग नहीं करना चाहिए, गलत। सातवा, जहां दादा दादी माता पिता चाचा चाची भाई बहन और चचेरे भाई बहन एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, वायु को शुद्ध करने वाले पौधे। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ और शुद्ध हवा आवश्यक है, फिर भी हमें सांस लेने के लिए शायद ही कभी स्वच्छ हवा मिलती है। लेकिन ऐसे कुछ पौधे हैं जो हवा में विषाक्त पदार्थों को निकालते हैं, हवा को शुद्ध करके वायु की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। ऐसे पौधों को वायु शुद्ध करने वाले पौधे कहा जाता है। उदाहरण के लिए, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, एलोवेरा आदि। हमें इन पौधों को अपने घरों में रखना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर वायु को शुद्ध करने वाले पौधों के बारे में बताया गया है कि वायु को शुद्ध करने वाले कुछ पौधे होते हैं, जैसे स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, एलोवेरा आदि। हमें ऐसे पौधों को अपने घरों में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर वायु को शुद्ध करने वाले कुछ पौधे दिखाए गए हैं। चित्र में पहला पौधा है एलोवेरा का, दूसरा मनी प्लांट और तीसरा स्नेक प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं जो वायु को शुद्ध करने वाले पौधे हैं, बैम्बू पाम, दूसरा रोइंग फिग, तीसरा तुलसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर गतिविधि दी गई है, पौधों की पहचान करें। आपके सामने तीन चित्र दिए गए हैं, आपको पहचान कर इन पौधों के नाम लिखने हैं। पहला पौधा है स्नेक प्लांट का, दूसरा पौधा तुलसी का और तीसरा पौधा है रोइंग फिग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और गतिविधि दी गई है, अपने दादा दादी या माता पिता से कोई लोक कथा सुने। तो बच्चों, आप अपने दादा दादी या माता पिता से कोई लोक कथा सुनेंगे। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं।
अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।